हेमन रेडी क्या चाहते हैं आप? हाँ जी सेंटर है। क्या कहना चाहेंगे देश के जवानों के बारे में जो शहीद हो रहे हैं उनके बारे में? जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पुरस्कार, कोई भी दौलत, कोई भी श्रद्धांजलि, कोई भी कार्य भारतीय जनता का उनका ऋण नहीं उतार सकता। जो भारतीय जवान जो हमारी रखवाली सरहद पर कर रहे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उससे महान कार्य, मेरे ख्याल से उससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। उससे बड़ी सेवा, उससे बड़ा दान विश्व में कोई नहीं। मैं कोई पुनर्जन्म नहीं मानता, किसी ईश्वर हैं सब हैं, लेकिन इससे बड़ा जो देशभक्ति का कार्य है जो हमारे जवान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा महान कार्य है, ये सबसे बड़ा कर्म है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जवान सरहद पर हमारी रखवाली के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं और यहाँ पर लोगों को पता तक नहीं होता। अब आप देखिए चेतन चीता जो हैं वो मौत से जूझ रहे हैं, उनको 9 गोलियां लगी हैं, उन्होंने 16 आतंकवादियों से वे लड़े जम्मू कश्मीर में, 3-4 को मार गिराया, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि कोई ऐसा कार्य हुआ, कोई ऐसे चेतन चीता नाम के जवान थे, वो क्या हुआ? अनिल जी आप बोलिए। दादा द फैक्ट इज आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अफसोस है, अफसोस है। मैं कल खुद मेरे कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उनको खुद को भी ये नहीं पता कोई चीता साहब के नाम के कोई है, कोई व्यक्ति है, वेदर इज इन एग्जिस्टेंस। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हम दो अकेले बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम दो भी सक्षम हैं। बिल्कुल जी, एक से एक एक बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल, इस महान कार्य के लिए मैंने कुछ अपने दोस्तों यारों से कहा कि आप आएँ आज हमारे साथ इस मुहिम पर, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हम मिलते हैं 11:30 बजे। अरे यार कहाँ यार, संडे का दिन क्यों ख़राब कर रहे हो यार? बना क्यों ख़राब क्यों यार, वो अपनी नींद उड़ा के ताकि हम चैन से सोए, हमारी नींद के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते? अरे यार छोड़ना यार, कुछ नहीं, सब चलता है यार, पता ही नहीं लोगों को कि यार 22 से लेके 26 तक तो नेशनल अपना बैंक हॉलीडे है, तो छुट्टी, लोग गोवा जा रहे हैं, खंडाला जा रहे हैं, महाबलेश्वर जा रहे हैं, लेकिन इस कार्य के लिए। मैंने कहा भैया अपना राइट तो करो, जो आपने वोट करना 22 को वोटिंग के बाद जाओ, नहीं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इनसे अनिल जी से डिस्कस ही कर रहा था कि हमारे देश में एक नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहली बात है, हम जो भी सरकार आए, मेरा उनसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे देश में आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। छोटे बच्चे को भी आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और सबसे पहले जितने नेता हैं ना, जितने ये पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए सरहद पर जाकर देश की सेवा, सरहद की रखवाली कंपलसरी करो एक एक हफ्ते के लिए। सर आपने शॉर्ट फिल्म की थी शूरवीर, सर उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी मैं ये अनिल जी को मैं दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा थॉट पे, आजकल जो वायरल फिल्में हो रही हैं, आप जो शॉर्ट फिल्में देखते हैं, वो सिर्फ सेक्स स्लीज या सेक्स कॉमेडी या वल्गैरिटी को लोग प्रीच करते हैं, और या कोई बना रहा है कोई हॉरर फिल्म बना रहा है तो क्यों लोग देखना चाहते हैं। मैं तो इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि कहाँ पे हमारे देश में जो हैं लोग, इनकी जो शूरवीर फिल्म है जो मैंने की है, उसमें मैं सुविधा रतन सिंह की भूमिका की है मैंने, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इस सोचा कि भाई एक आर्मी ऑफिसर को, एक हिंदुस्तानी सिपाही को लोग सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही याद करते हैं, या फिर जब देश संकट में होता है, बाढ़ आ जाए या कहीं भूकंप आ जाए या आतंकवादी हमला हो जाए, तब हम अपनी हिंदुस्तानी सेना को याद करते हैं। हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए। इस थॉट को लेकर जब ये आए मेरे पास कि पुरी जी हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, मैंने जी मैं आपके साथ हूँ। आज भी उन्होंने कहा कि पुरी जी आज हमें मिलना, हमें बात करनी है। मैंने कहा सर आई विल कम, माया मतलब कोई बात नहीं है, ये नहीं कि हम दो आदमी हैं या एक आदमी है, नहीं, एक एक बूंद से सागर बनता है। और देखिएगा ये हमारी मुहिम है, ये हमारा एक कहिए एक हमारा मूवमेंट है, हमने फिल्म नहीं बनाई, इट्स अ मूवमेंट। हम एक जागृति पैदा करना चाहते हैं हमारे देश के सिपाहियों के प्रति जो हमारी रक्षा करते हैं। अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे शूरवीर के बारे में? जी शूरवीर के बारे में कुछ बोलना बेकार है, व्यर्थ है, वो अपने आप में लोगों को समझना ज़रूरी है कि उसमें मैसेज क्या है हमारा। आज पुनीत जी ने कहा
चीता साहब के बारे में, आज वो मौत से झुलझ रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर वो क्यों हैं? हम लोगों की वजह से, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान तक की सोची नहीं। और ये हर हिंदुस्तानी को समझना ज़रूरी है कि जो भी आज वहाँ पे फ्रंट पे जवान काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। 365 दिन कर रहे हैं, सिर्फ दो दिन नहीं कर रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट 365 डेज ऑफ द ईयर टू गिव अस साउंड स्लीप। ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। दादा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक स्कूल्स में एक मुहिम चालू कर देना चाहिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपल्सरी, आर्मी ट्रेनिंग शुड बी कंपल्सरी, अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा, इट शुड हैपन। मैं तो चाहूँगा जैसे भी एक पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फिल्म स्टार है, कोई फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हर एक के बच्चे को वो उनको भी भेजो, उनको कंपल्सरी करो कुछ दिनों के लिए, उनको सरहदपुर भेजो ताकि वो जज्बे को समझें कि हमारे देश के जो जवान क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। मैं चाहूँगा मेरे बेटे को भेजो, मेरी बेटी को भेजो, ताकि वो समझें, उनमें एक तो नेशनलिस्ट फीलिंग आए, और ताकि मुझे तब एक बाप को क्या, एक जवान के एक सिपाही के बाप को क्या फील होता है, उसकी माँ क्या फील करती है, उसके उसकी पत्नी क्या फील करती है, उसके बच्चे घर पे क्या महसूस करते हैं कि हमारा बाप सरहद पर गया, कल वापस भी आएगा या नहीं। ये मैं चाहता हूँ, ये फीलिंग हर हिंदुस्तान का नागरिक इससे जिए, इसको फील करे, तभी ये जो देश में एक नेशनलिस्ट फीलिंग आएगी। इट्स अ सुपर थॉट है। आज आप बताएं, ये इनका कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था जी, चीता साहब की मदर का, आज एक रूटीन में अगर वो इंटरव्यू हो तो एक माँ टूट जाती है अपने बच्चे को इस हाल में देखकर, बट शी वॉज हेड स्ट्रॉन्ग। उनको इस चीज़ का अफसोस नहीं था कि उनका बेटा आज वतन के लिए वहाँ झुलझ रहा था या उसके लिए जान दी। शी वॉज सो कम्फर्टेबल टॉकिंग, सल्यूट टू सच मदर्स। ये बताता कि भारतीय नारी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भारतीय नारी की जो दृढ़ता क्या है, तो सलाम है, नतमस्तक हूँ ऐसी माता को मैं कि उनका ये अपना उनका ये रवैया है अपने बेटे के प्रति कि अगर मेरा बेटा कुर्बान हो जाता है देश के लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जज्बा आपको, इट इज़ अनपैरेलल इन एनी अदर हिस्ट्री। यही इसी से कंट्री जो है ग्रेट बनती है, और आज हमारा भारत जो अखंड भारत जो बना हुआ है इसी वजह से बना हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि ये मैनेजमेंट का सवाल है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं हैं जो हमारी भारतीय सेना को या नेवी को या एयरफोर्स को, सुविधाएं पूरी हैं, बट उन्हें ठीक से मिल रही हैं या नहीं, ये इसमें अगर कोई कोताही बरत रही है, कोई गलती हो रही है, उसको इमीडिएटली दैट शुड निप इन द बड, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो जवान हमारे देश की रक्षा कर रहा, हमारी नींदों के लिए अपनी नींद हराम कर रहा है, अपनी जान निछावर कर रहा है, उसको तो हर चीज़ हर सुविधा उसे मुहैया कराई जानी चाहिए। सर लगभग 65% हमारे यहाँ पे यंग पीपल है इंडिया में, सर उनके लिए क्या मैसेज देना है? उनके लिए मैसेज मैंने कहा ना आपसे, क्योंकि आजकल क्या देखिए, हमारे देश की जो वॉर्स हुई है 1947 में हुई है अगेंस्ट दी पाकिस्तान एग्रेशन, जो कबायली बनकर उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद 62 वॉर हुई थी चाइना के साथ में, इंडो चाइना वॉर हुई है 65 में, इट वॉज एन इंडो पाक वॉर, देन 1971 जब बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई है, उसके बाद फिर हमारा कारगिल एग्रेशन हुआ है, और अभी इंसर्जेंसी में तो कि लगातार लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो आज की जो यंगर जनरेशन है, 1971 के बाद किसी ने एक्चुअल वॉर नहीं देखी है, उनको पता ही नहीं कि ये वॉर होती क्या है। कारगिल को भी कितने साल हो चुके हैं, तो जो उसके बाद की जो जनरेशन है दे डोंट नो कि देशभक्ति का जज्बा क्या है। उसके लिए आर्मी जो डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, इट शुड बी कंपलसरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दे मस्ट गेट दिस ट्रेनिंग सो दैट दे शुड रियलाइज, एक तो क्या शारीरिक बहुत उनका फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, एंड एक कंट्री के प्रति क्या फील करना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी इन टोटैलिटी। हाँ भाई, एक बहुत खूबसूरत एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आग कर अपना बदन हिंदुस्तान के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते। आखिरी में आप दोनों से सवाल करना चाहूंगी कि पुनीत जी सर के लिए आप क्या कहेंगे, चेतन जी जो घायल है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैंने कहा जी उसके लिए जो हम जो भी करें वो बहुत ही कम है, और जो भी वो चाहे उनके लिए, उस परिवार के लिए, मैं अपने तन मन धन से जो भी मेरे से हो सकेगा या जिस एक्सटेंट तक मुझे जाना पड़ेगा उनकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। स्टेज पे उनके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाकर हमें डेफिनेटली आज नमन करना चाहिए और कोशिश, उम्मीद ये करें कि वो इस चीज़ से बाहर निकल के उभर कर आएँ, ताकि देशवासियों को बता सकें कि उन्होंने किस तरीके से आज अपने वतन को बचाने के लिए अपने आप को झोंका था, एंड ये कम आउट ऑफ इट लाइफ। देखिए 16 आतंकवादियों से वो लड़े, 3 ना 4 को मार गिराया, कितनों को जख्मी किया, बाकी भागकर 9 गोलियां उनको लगी हैं, उसके बावजूद वो आज वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। तो इसमें मतलब ऐसा एक्चुअल ही इज़ द रियल हीरो। हम लोग खाली रियल हीरोज़ हैं, हम खाली पर्दे पे वो बहादुरी दिखाते हैं, दे आर द रियल हीरोज़। और मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता से अनिल जी, कि ये जो हमारे जो सिपाही हैं, ये चेतन चीता जैसे, ये जो बहादुर सिपाही, ये कभी मरते नहीं हैं, ये या तो विजय प्राप्त करते हैं या वीर गति, ये तो अमर हैं। कौन कहता कि अगर कल कुछ ईश्वर ना करे, निकल कुछ हो भी गया, ये तो मार्टर्स हैं, ये तो ये शहादत प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ वीर गति प्राप्त करते हैं, ये मरते नहीं हैं। Yeah, that's right.